3.5 का प्रश्न संख्या दो, जब कोई हल ना हो तो उसका मान ज्ञात करो। जो आपको समीकरण दी गई है वो है 3x plus y बराबर 1 और 2k minus 1x plus k minus 1 y बराबर 2k plus 1। तो जब कोई हल ना हो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है? समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है? समांतर। समांतर रेखाओं के लिए आपने देखा होगा, आपने ऐसे पढ़ा हो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2। ये कब होता है? जब कोई हल प्राप्त ना हो। या आपको दिया है क्वेश्चन, जब c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है तो c1 अपॉन c2 को तो हमें ध्यान में ही नहीं रखना। क्या बराबर है? a1 कितना है? 3। a2 कितना है? 2k-1। b1 कितना है? 1। और b2 कितना है? k-1। इसको इधर और इसको इधर, 3k-1, 2k-1। इसको इधर 3k-k, 3। ये 2k-1। इसको इधर और इसको इधर, 3k-2k = -1 और ये 3 उधर जाएंगे तो प्लस के। क्या आया? k बराबर क्या आ गया? 2। तो k का मान निकाल लिया हमने, क्या आया? 2। चलो छापे से देखो, प्रतिस्थापन और वज्रगुण विधि से हल करना है हमें। तो पहले तो हम इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि जो है वो कौन सी विधि है? यहाँ देखें, 8x + 5y = 9 है ना, और दूसरी क्या है? 3x + 2y = 4 है ना। हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं? प्रतिस्थापन। फिर करेंगे वज्रगुणन से। इसको डाले समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। पहले भी आपको सिखाया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे, मतलब या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। तो 8x + 5y = 9, तो 8x = 9 - k 5y, तो x = 9 - k 5y / 8। क्या गई समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान कहाँ रख दे? समीकरण 2 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 3 x का मान 9 - 5y / 8, 2y = 4, 2y = 4। ये 9 तिया कितने होंगे? 27, 3 5 15y / 8 प्लस 2y = क्या आ गया? 4। एलसीएम लिया 8, 27 - 15y, 8 में भाग देंगे, एक बार 1 को इससे गुणा किया, ये 8 × 16y = 4। 8 × 4 कितने होंगे? 32। तो 27 - 15y + 16y = 8 × 4, 8 × 4 = 32। तो ये 27 - 16 में से 15 गए तो 1y = 32, तो y = 32 - कितना आ गया?
27 कितना आया, y बराबर कितना गया 12 में से 7 गए तो 5, y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, y बराबर जो है 5 आ गया, वो कहाँ रखें यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है ये रही, यहाँ x बराबर 9 माइनस 5 गुणा 5 बटे 8, तो x बराबर 9, 5 से 25 बटे 8, तो x कितना गया माइनस के 16 बटे 8, तो x बराबर 8 दुनी माइनस के 16, तो x का मान माइनस 2 और y का मान क्या गया 5, ये तो हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब हम जो करेंगे वो होगी विलोपन विधि, सॉरी वज्रगुणन विधि। देखो प्रश्न संख्या 4, बीजगणितीय विधि से हल करना। बीजगणितीय विधि का मतलब है आप कोई भी विधि इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे वज्रगुणन। पर मैं चाहता हूं कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो प्रतिस्थापन और विलोपन से सोल्व किए थे, अब हम इन क्वेश्चनों को जो सोल्व करेंगे वो वज्रगुणन विधि के माध्यम से ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, जबकि छात्र ए 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपये व्यय करता है या अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी 26 दिन तक भोजन करता है और 1180 रुपये यानी कि 1180 रुपये अदा करता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करो। तो माना कि छात्रावास का नियत वे या नियत किराया भी आप बोल सकते हो कितना है x है, कितना है x, वह प्रतिदिन भोजन का वे y रुपए, ये भी क्या है रुपए में है, तो अब कंडीशन ए शर्त फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए के लिए ए 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपये देता है, बी ए 20 दिन तक भोजन करता है करता है और 1000 रुपये अदा करता है, ए 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये अदा करता है। अब भोजन तो करता है वो, लेकिन क्या करता है रेता भी तो है, तो नियत भाड़ा छात्रावास का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा प्लस एक दिन का भोजन, एक दिन ही सॉरी 20 दिन भोजन का वे बराबर कितने दिए उसने टोटल 1000 रुपये, कितने दे दिए 1000 रुपये, ठीक है। तो नियत भाड़ा कितना हो गया x, 20 दिन का कितना होगा 20y बराबर 1000, समीकरण नंबर एक। शर्त सेकंड क्या कह रहा है कि b 26 दिन तक भोजन करता है और 1180 रुपये अदा करता है,
क्या करता है 1180 रुपए अदा करता है। तो नियत भाड़ा कितना है x 26 दिन, भोजन का वे बराबर कितना, नियत भाड़ा कितना है x 26 दिन का 26y बराबर 1180। समीकरण नंबर, हम एक काम करें इस 1000 को भी इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या ऐसा बनेगा क्या, x प्लस 20 y माइनस 1000 बराबर में 0। समीकरण नंबर एक, फिर इसको ऐसा लिख दें x प्लस बी 26 y माइनस 1180 बराबर में 0। समीकरण नंबर दो, कोई दिक्कत। अब हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से x, तो x को छुपा लेंगे तो y के मान क्या रहे हैं 20 26 माइनस के 1000 माइनस के 1180। y का मान निकालेंगे तो y को छुपा लेंगे क्या आएगा, माइनस के 1000 माइनस के 1180 और इधर क्या है एक और एक। अचर पद की बात करें तो एक एक 20 और 26, ठीक है। इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ये गुणा किया x, जीरो और जीरो मिला के तो हो गए 2 0। 8 2 16 के 86 लगाए, 2 और 1 3 और 2 1 2 तो 23600 कितना आया, 23600। इसको गुणा किया 26000, ये माइनस के 1000 माइनस, ये 26000 था ना तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना होगा 1180 और ये 26 माइनस 20, कोई दिक्कत। ये कितना आ गया, इसमें से घटाएंगे तो 400 है ना, और 25 में ये 200, 2400 आ गए। ये कितना है y और ये 180 और ये 1/6, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, तो ये कितना आ गया x बटे 2400 बराबर 1/6 व y बटे 180 बराबर 1/6। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, x बराबर क्या आएगा तो देखो ये माइनस का है तो कितना आएगा 2400, एक बार इसको इसके साथ ले लिया और एक बार इसको इसके साथ, तो इससे इसमें भाग देंगे हम, कितनी बार आएगा x बराबर 400 रुपये। तो नियत भाड़ा तो कितना आ गया उसका 400 रुपये व y बराबर 180/6, y बराबर कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 रुपये। तो नियत भाड़ा तो कितना आ रहा है 400 रुपये, तो लिखेंगे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा छात्रावास का 400 रुपये व प्रतिदिन भोजन का वे कितना है 30 रुपये, और यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। चलो छाप लो।